अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर इंग्लिश क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग कर ली थी, ट्रांसलेशन कर ली थी, आपको मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया था और थोड़े बहुत उसमें कोई ग्रामर भी आई थी तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस पेज की, इस लेसन की वन पेज या टू पेज डेली की बेसिस पे राइटिंग करनी है बहुत अच्छे से अपनी पेयर कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद। तो आज हम लेसन वन की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको ये कोर्स गाइड चाहिए होगी, ये आपने अगर अभी तक नहीं लिए तो आप ये स्कूल से ले लें। और इस कोर्स गाइड में आपको सब दिया हुआ है कि कौन सा काम कॉपी में करना है, जिस जो का जो वर्क आपको कॉपी में करना है उसके आगे कॉपी लिखा हुआ है और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको ये पूरा सॉल्व करवाऊँगा बुक में और आपकी कॉपी में। आज मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा, तो आपके पास आपकी बुक्स भी होनी चाहिए और आपके पास आपकी कोर्स गाइड भी होनी चाहिए। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स, योर कॉपीज एंड गेट योर स्टेशनरी बॉक्स एंड गेट रेडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइटल पेज की बात कर लेते हैं। टाइटल पेज में लेट्स से आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपके पास ये वाला पेज होगा। इस पेज में आप सबसे ऊपर लिखेंगे लेसन, लेसन वन, लेसन नंबर वन है। उसके बाद आप लिखेंगे लेसन का नाम, राइट यहाँ पे आप अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा सा लेसन का नाम लिख देंगे, जो भी आपका लेसन नेम है, और नीचे आप डेट डालेंगे। ठीक है, इस वाले पेज पे आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके सामने से आप काम शुरू करेंगे, सामने वाले पेज से काम शुरू करेंगे। राइट, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, टाइटल पेज आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा। अच्छा, यहां से आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है, ऊपर राइटिंग की हेडिंग डालेंगे और आप यहाँ पर एक मार्जिन लगाएंगे और यहां से काम शुरू कर देंगे। राइट, ये आपका टाइटल पेज हमेशा आपने ऐसे ही बनाना है। ओके क्लास, तो सबसे पहले आपको वर्ड स्पिनिंग दिए हुए आपकी कोर्स गाइड में, आपको ये आपकी अपनी कॉपी में करने हैं। वर्ड स्पिनिंग आपको पता है कैसे करते हैं, आप दो कॉलम्स बनाते हो, एक तरफ वर्ड्स लिखते हो, एक तरफ मीनिंग की हेडिंग लगाते हो, और आप इधर वर्ड्स लिखेंगे और उसके सामने उसके मीनिंग आप उर्दू में लिखते चले जाओगे। कॉपी में आपको दिया हुआ है जैसे क्रॉस, पार करना, स्क्रीम, चीखना, पीप, झांकना, कंसंट्रेशन, तवज्जा, बीट, मारना, कोलाइड, टकराना, बकेट, बाल्टी, गिगल, हंसना या हंसे, रिकॉग्नाइज, पहचानना, डिस्क्रिप्शन, तफसील। तो ये वर्ड स्पिनिंग आपको दिए हुए हैं, आपको अपनी कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन और न्यू पेज से करना है। ऑलराइट क्लास, तो वर्ड स्पिनिंग के बाद आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट पेज से करनी है। क्वेश्चन आंसर्स आपको पता है, आप हमेशा नए पेज से स्टार्ट करके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की आप हेडिंग आप डालते हैं और मार्जिन लगाते हैं और क्वेश्चन नंबर वन उतारते हैं, उसके नीचे क्वेश्चन उसका आंसर उतारते हैं और आंसर के बाद एक लाइन का आप गैप देते हैं, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। आपकी कोर्स गाइड में क्वेश्चन एंड आंसर आपको दिए हुए हैं, सॉल्व आपको दिया हुआ है, ये आपने अपनी कॉपी में उतारना है। मैं आपके लिए इसको रीड कर देता हूँ, आपको इसकी ट्रांसलेशन और रीडिंग आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट डिड द टू ब्रदर्स हर्ड, दो भाइयों ने क्या सुना। आंसर, दे हर्ड अ वॉइस ऑफ समवन स्क्रीमिंग, उन्होंने एक आवाज सुनी किसी के चीखने की। हु वाज स्क्रीमिंग, कौन चीख रहा था। अ मंकी वाज स्क्रीमिंग विद पेन, एक बंदर चीख रहा था दर्द से। क्वेश्चन नंबर थ्री, फ्रॉम वेयर डिड द मैन कैच द मंकी, आदमी ने कहां से पकड़ा था बंदर को। द मैन कॉट द मंकी, आदमी ने बंदर को पकड़ा था फ्रॉम द जंगल, जंगल से। एंड वॉज ट्राइंग, और कोशिश कर रहा था टू ट्रेन हिम, उसे तरबियत देने की या उसे ट्रेन करने की, सो दैट ताकि ही कैन अर्न मनी, ताकि वो पैसे कमा सके। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द ब्रदर्स डू, भाइयों ने क्या किया। व्हेन द ओनर टर्न, जब मालिक मुड़ा टू पिक समथिंग, कुछ उठाने के लिए। आंसर, एज द ओनर टर्न, जैसे ही मालिक मुड़ा टू पिक समथिंग कुछ उठाने के लिए, वन ऑफ द ब्रदर, दोनों भाइयों में से एक ने लिफ्टेड द मंकी, उठा लिया बंदर को ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर, एंड रेन अवे, और भाग गया। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हेन द ब्रदर्स, जब भाई मूव टू द राइट, सीधी तरफ मुड़े विद द मंकी, मंकी के साथ। एज आंसर इसका है, एज द ब्रदर्स मूव, जैसे ही भाइयों ने हरकत की टू द राइट, सीधी तरफ, दे कोलाइडेड, वो टकरा गए विद द लैडर,
सीढ़ी से मिस्टेकनली गलती से एंड द बकेट ऑफ द येलो पेंट और येलो पेंट की बाल्टी फैल गिर गई ऑन टू द मंकी बंदर पर. क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिड द ब्रदर्स सॉ भाइयों ने क्या देखा इन द न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में दे सॉ पिक्चर ऑफ द मंकी उन्होंने देखी मंकी की एक तस्वीर मंकी की इन द न्यूज़पेपर अखबार में विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन मुंदजा ज़ेल तफसील के साथ इट इज माई मंकी ये मेरा बंदर है द टू थीव्स हैड स्टोलन हिम दो चोर इसे चुरा कर ले गए हैं इफ एनी वन फाउंड हिम अगर ये किसी को मिले प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर तो मेहरबानी फरमाकर कॉल करें इस नंबर पर. ओके ये क्वेश्चन आंसर दें ये आपको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन उतारना है और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई पेज नंबर 8 पे ट्रू और फॉल्स ये आपको दिया हुआ है ट्रू और फॉल्स आपको ट्रू और फॉल्स बताना है. देयर लिव फोर ब्रदर्स इन अ सिटी वहां रहते थे चार भाई एक शहर में रॉन्ग फॉल्स है ये दो भाई थे. दे हर्ड अ वॉइस एज समवन इज लाफिंग उन्होंने सुनी एक आवाज जैसे कोई हंस रहा हो रॉन्ग चीखने की आवाज थी फॉल्स. इट वॉज अ वॉइस ऑफ एन एलिफेंट ये आवाज थी एक हाथी की रॉन्ग बंदर की आवाज थी फॉल्स है ये. फोर द मंकी वॉज स्क्रीमिंग विद पेन बंदर चीख रहा था दर्द से ट्रू. द ऑनर वॉज बीटिंग द मंकी वेरी बैडली मालिक जो था ऑनर जो था वो बहुत बुरी तरह बंदर को मार रहा था यस ट्रू. द टू ब्रदर्स टर्न टू द लेफ्ट दो भाई लेफ्ट की तरफ मुड़े नो वो राइट पे मुड़े थे फॉल्स. वन ऑफ द ब्रदर लिफ्टेड द मंकी ऑन हिज शोल्डर एक भाई ने बंदर को अपने कंधे पे उठा लिया यस ट्रू. दे सॉ पिक्चर ऑफ द मंकी उन्होंने एक तस्वीर देखी मंकी की इन द न्यूज़पेपर अखबार में यस ट्रू. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दी है अनजम्बल दीज वर्ड्स बहुत आसान है आपके लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए उनके अल्फाबेट्स आगे पीछे बेतरतीब कर दिए गए हैं उनको आप सेट करोगे तो करेक्ट वर्ड बन जाएगा. पहले खुद कोशिश कीजिएगा अगर नहीं हो तो फिर कोर्स गाइड में इसका आंसर आपको दिया हुआ है. नेक्स्ट पेज नंबर 10 नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी ये वाली राइट द पास्ट फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स ये कुछ आपको वर्ब दिए हुए हैं और इनकी पास्ट फॉर्म आपको लिखनी है. वर्ब की आपको पता है तीन फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म होती है उसी को हम कहते हैं पास्ट फॉर्म. ठीक है वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं पास्ट फॉर्म. तो इसमें आपको कुछ वर्ब दिए हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है आपको उसकी सेकंड फॉर्म बतानी है जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं लिव लिव्ड ईडी लग जाएगा बस आखिर में डी लग जाएगा डू डिड कैच कॉट कैच माने पकड़ना कॉट माने पकड़ा लिफ्ट उठाना लिफ्टेड उठाया कोलाइड टकराना कोलाइडेड टकरा गए या टकराए. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अब एक्टिविटी दी हुई है आपको जो आपको कॉपी में करनी है. अच्छा जो वर्क कॉपी में करना है उसके आगे कॉपी लिखा हुआ है और जिस वर्क के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो आपको बुक में करना है. ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ मंकी एक बंदर की तस्वीर बनाइए एंड राइट 5 लाइंस अबाउट इट और उसके बारे में 5 लाइनें लिखिए. आसान है बिल्कुल ये आपको सॉल्व करना है. इसका हमने जानबूझकर कोर्स गाइड में आपको सलूशन नहीं दिया क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आप खुद से करें. आप गलत कीजिएगा लेकिन आप कीजिएगा इसको ठीक है फिर इसको मैं सही करवा दूंगा. अच्छा एक डिस्कशन हम रखेंगे लास्ट है आपके पास एक्टिविटीज में के एक हम डिस्कशन रखेंगे जब भी हम स्कूल आएंगे तो हम एक डिस्कशन रखेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि सब लोग शेयर करेंगे आपस में कि क्या आपको बंदर पसंद है और क्या कभी आपने बंदर का सर्कस देखा है इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे. ठीक है तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइजेस खत्म हो गई. ओके क्लास तो यहाँ तक आपकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी. ये सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में और बुक में सॉल्व करके मुझे बुक भी और कॉपी भी सबमिट करवाएंगे मैं चेक करके आपको दूंगा. नीट एंड क्लीन होना चाहिए खराब नहीं करेंगे आप ठीक है. सारा काम जैसे बताया वैसे ही कीजिएगा.
और फिर आपको काम चेक करके हम दे देंगे। जब आपका काम चेक हो जाएगा तो फिर आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। हम आपको टेस्ट पेपर देंगे, वो आपको सॉल्व करके देना होगा। तो जैसे ही आप काम कंप्लीट कर लें तो आप इसको क्वेश्चन आंसर वगैरह को याद करना शुरू कर दीजिएगा। वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी रीडिंग बार बार कीजिएगा, आपको इसकी रीडिंग और आपको इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो देखें बार बार, वीडियो में बहुत आसान सा बताया हुआ है आपको, आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।